हेलो, कैसे हो आप? हे एवरीवन, दिस इज साक्षी दंजल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आई हूँ आज आइस स्केटिंग के लिए, और मैं आई हूँ यहाँ पे लाइक एम्बियंस मॉल। इट वाज रियली अनप्लान्ड, बट आई गेस माय फ्रेंड केम आफ्टर सो लॉन्ग फ्रॉम मुंबई। हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं यार? छह साल बाय गॉड। और हम हाईएस्ट फ्लोर पे खड़े हैं, तुम्हें पता है? नहीं, वो वाला हाईएस्ट फ्लोर है, ऊपर वाला। हैव यू बीन, मतलब इस मॉल में तुम आ चुके हो? फर्स्ट टाइम। चले वॉशरूम्स, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे अंदर जाने के लिए। सो आई एम गोइंग टू डू आइस स्केट और आई एम गोना शेयर द एक्सपीरियंस। टिकट चार्जेस कितने के थे पर पर्सन? 800 पर पर्सन। ओ माई गॉड, वेन आई यूज टू कम इट वॉज 650। बढ़ा दिए उन्होंने, इनकी कॉप अप डिमांड ज़्यादा हो चुकी है। हाय भैया, आपने ट्राई करी हुई आइस स्केटिंग? नहीं। आपने क्यों नहीं करी? आपको भी करनी चाहिए। नहीं। सो हम अंदर एंटर कर रहे हैं आइस स्केट्स के। फाइनली द शूज टाइम। ओह, टाइम भी 6 हो रहा है। लेट्स वेयर द शूज जो हमें मिले हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, एज अ बिगिनर आप साइड साइड में चलते हो कुछ उस तरीके से, और हम भी कुछ चलने वाले हैं इसी तरीके से, आराम आराम से। सब भैया इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सो इट्स लेट्स जस्ट गेट इट स्टार्टेड। मैं चलूँ पहले? सो पता है गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि इंडिया में सबसे अच्छी आइस स्केटिंग, मतलब जिसका इतना बड़ा आइस स्केटिंग ग्राउंड काइंड ऑफ कहो या फिर प्लेस है, वो गुड़गांव में ही है। तो आपको अगर बेस्ट आइस स्केटिंग ट्राई करनी है तो आपको गुड़गांव आना पड़ेगा इसके लिए, आइस स्केट्स के साथ। लुक एट हिम, हाउ वेल इज दे आर हैंडलिंग। तुम भी कर सकते हो करण। सो गाइस, ये बहुत ज़्यादा फन है। लुक एट दिस बचास पार्टी हुआ स्केटिंग सो देयर इज इनसाइड फूड विच इज एक्चुअली अवेलेबल वहाँ पे। अगर आप अभी आइस स्केटिंग कभी ट्राई कर चुके हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। ओह माय, मैंने कलर ड्रेस चूज़ करी आज के लिए। आई वाज हैविंग नो आइडिया दैट आई एम गोना मेक इट फॉर आइस स्केटिंग टुडे। लेट्स गो करण। पता है सबसे अच्छा पार्ट क्या है? कि आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए इंस्ट्रक्टर्स हमेशा आपके आसपास होंगे। हाउ आर यू फीलिंग साक्षी? आई एम बीइंग गुड। इतनी खुशी? बहुत खुशी। ब्रह्मास्त्र, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, मज़ा आया? तीसरी बार कर रहे हो, इस मज़ा आता है? मम्मी लेकर आई है या सिस्टर है? फ्रेंड है? तो तुम्हारे ये सारे फ्रेंड्स हैं? अच्छा, ये वाले नहीं, वो वाले फ्रेंड्स हैं? अच्छा, तुम्हारा कैसा रहा? तुम्हारा गुड? तुम पूरी टीम के साथ आए थे? आपके सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? हेलो, नहीं ही सो क्यूट। आई वाज सेइंग कि कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? ही वाज लाइक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक नंबर। कौन सा वाला एक नंबर? आ जा, कुछ खाते हैं, लेट्स हैव समथिंग, आ जा। सो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे दिल्ली में भी ना, मतलब NCR में, मुझे दिल्ली का तो मेन पता नहीं, मैक कैफे ओपन हो चुके हैं। अब इनके मैकडोनल्ड्स में पेमेंट का अभी तक प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से डिटेक्ट हो चुकी है। सो इनके साथ ना, मतलब मैक कैफे के साथ एक कुकी फ्री है, तो अगर इनका प्रिविलेजेस ट्राई कर रहे हो ना, तो इनकी मतलब कुकी फ्री है, ज़रूर ट्राई करना। मैं तो ट्राई करती हूँ, पर ये कॉफ़ी लिटरली बहुत अच्छी है। मैंने वो कहा था ना, मैक कैफे ने कॉफ़ी कैपेचिनोस आई है, बट ये फ्लेवर्स बहुत यम होते हैं। पर इन्होंने वाइट शुगर दी है,
करण वाइट शुगर ब्राउन चाहिए आइस स्केटिंग वॉज सो मच फन और स्पेशली विद द पीपल आर अराउंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू विद द नेक्स्ट व्लॉग सुपर सून बाय बाय